हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल. लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th, क्वेश्चन नंबर 4. अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. ओके, एक टू व्हीलर है, वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है 55.3 किलोमीटर. ओके, तो ये सबसे पहले हम सेंटेंस में लिख देते हैं कि ये जो व्हीकल है 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस है वो कवर कर पा रहा है. 1 लीटर, हाँ, पेट्रोल में डिस्टेंस कवर कर रहा है 55.3 किलोमीटर. तो क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो दो नंबर हमारे पास अवेलेबल है, 55.3 मल्टीप्लाई 10. डिनोमिनेटर में हम 1 रखेंगे, 1 का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम ही मिलता है. तो 55.3 मल्टीप्लाई 10 ये हमने सीखा है. 10 में 10 है तो पॉइंट आगे आ जाएगा, एक डिजिट. यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है ही, तो क्या हो जाएगा आंसर? 55.3 किलोमीटर. यानी 10 लीटर पेट्रोल में ये टू व्हीलर है 553 किलोमीटर रन हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड करना है हमें. डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत इजी सम है. फर्स्ट वन है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3. तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के अगर पॉइंट वाले सम दो डिजिट में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर को अरेंज कर देते हैं जैसे हम सिंपल नंबर को करते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 0.3. अब डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे पॉइंट नहीं है. ओके, और जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, टू डिजिट है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टू डिजिट है तो हम 10 लगाएंगे, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 5 तो 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, देन आफ्टर 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7. अभी समझ लो पॉइंट नहीं है और जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. 0 प्लस 5 का 5, 7, 0 का 0. ओके, क्वेश्चन में पॉइंट रखा लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसमें समझ लो कि पॉइंट है ही नहीं, उसी तरह हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब जब फाइनल आंसर आ जाए उसके बाद थिंग आएगा कि हमें पॉइंट कहाँ पर लगाना है. ओके, तो वेरी सिंपल, फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास? 2.5, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1. यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1. ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. तो हमें यहाँ पे पॉइंट इस तरह से लगाना है ताकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमें अब यहाँ पे पॉइंट इस तरह से लगाना है कि वहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो. 2 क्यों? ये वाला 2. पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 प्लस 1 2. तो पॉइंट हम इस तरह से लगाएंगे कि ताकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो. तो 1 2 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए तो हमें आंसर मिला 0.75. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2nd.
0.1 मल्टीप्लाई 51.7, बहुत इजी सम है। ओके तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ करने की, यहाँ पे एक टू डिजिट एक थ्री डिजिट है, तो थ्री डिजिट 51.3 टोटल थ्री डिजिट हुए, तो वो हम ऊपर रख लेंगे, क्योंकि नीचे रखेंगे तो हमें थ्री डिजिट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपका बहुत टाइम सेव कर देगी ये सब चीज़ें। ओके अगेन, यहाँ पे टू डिजिट है तो हम उसके रूल के हिसाब से, अभी समझ लो पॉइंट नहीं है, उसी तरह से पूरा मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं फाइनल आंसर तक। टू डिजिट है, सबसे पहले ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई सेवन, ज़ीरो 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 ही आएगा। ओके नाउ 17 जा 711 जा 115 जा 5 7150। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। 1 + 1 = 2। तो हमें इस तरह से पॉइंट रखेंगे कि पॉइंट के बाद दो डिजिट मिले, तो हम रखेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट हो गए 1 and 7, तो हमें आंसर मिल गया 05 05, यानी 5 होगा, तो हमें आंसर मिला 5.17। ओके चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा डिजिट है उसको हम ऊपर लिखेंगे, 316.8 मल्टीप्लाई 0.2। अगेन टू डिजिट एक ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई 8, ज़ीरो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा। देन आफ्टर 2 8 = 16, 2 6 = 12 + 1 = 13, 2 1 = 2 + 1 = 3, 2 3 = 6। एडिशन कर दो, 0 + 6 = 6, 0 + 3 = 3, 3 = 6। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। 1 + 1 = 2, तो हम पॉइंट इस तरह से रखेंगे ताकि पॉइंट के बाद दो डिजिट आए, तो हम यहाँ पे रखेंगे, आंसर मिल गया 63.36। ओके डी स्टूडेंट, बाकी के सम एज इट इज सेम है, बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ ये रूल ही फॉलो करने हैं। ओके तो वो आपको प्रैक्टिस में भी ऑनेस्टली घर पे करने हैं। ओके थैंक यू।